रिव्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में, आपको आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। डीपीएस की प्रिंसिपल की सड़क हादसे में मौत। इंदौर में कार से ड्राइव कर रही उज्जैन जा रही थी, पेड़ से टकराई कार। उज्जैन के डीएसपी दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट और स्टाफ यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल अभी दुनिया में नहीं। वे मैथ सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट थी, इंग्लिश में भी उनकी अच्छी कमांड थी। उनके बेस्ट टीचर का उन्हें अवार्ड भी मिला था, नाम था रेखा पिल्लई, 29 वर्षीय। जैसे ही सड़क हादसे में उनका निधन की खबर आई तो हर कोई स्तब्ध हो गया। सड़क हादसे में हुई प्रिंसिपल की मौत से उज्जैन के दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा पिल्लई इंदौर के नेपालिया क्षेत्र में रहती है। वह रोज इंदौर से उज्जैन आना जाना करती थी। सोमवार को वह खुद ड्राइव कर अपनी ड्यूटी निभाने उज्जैन के लिए घर से निकली थी, तभी अचानक धर्तवाद के कोरिदिया के बीच उनकी अनियंत्रित कार अनियंत्रित हो गई और एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेखा उज्जैन के दिल्ली पब्लिक स्कूल के पिछले 5 साल से प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ थी। फिलहाल ये पता नहीं चल सक रहा है कि हादसे की वजह क्या है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। प्रिंसिपल रेखा पिल्लई रोजाना की तरह सोमवार की सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी। वह कार खुद ही चला रही थी, वे रास्ते में आना जाना करती थी। इस कारण कुछ लोग उन्हें पहचानते भी थे। यही वजह थी कि हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त देख लोगों ने ड्राइवर अरुण को इसकी सूचना दी। प्रिंसिपल के परिवार में पति शीरधर पिल्लई और एक बेटा है। बेटा सिंगापुर में नौकरी करता है और पति रिटायर्ड हो चुके हैं। बेटे की भी घटना की सूचना दी गई। नागजीरी पुलिस ने बताया कि रेखा पिल्लई के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले की जाँच की जा रही है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।